आज मैं तीन सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो किसी भी एथलीट, ट्रेनर या फिटनेस प्रोफेशनल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, दूसरा है मोटर लर्निंग एंड मोटर कंट्रोल, और तीसरा है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्यों इम्पॉर्टेंट है इनको स्टडी करना, इनको समझना? ऐसे क्या इंसाइट्स मिलेंगे हमें इनको पढ़ के जिससे हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगा, हमें इंजरी कम होगी, हमारी रिकवरी जल्दी होगी और हम अपने माइलस्टोन्स जल्दी हिट करेंगे। शुरू करते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से। बायोमैकेनिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी के इंटरसेक्शन पे है। आपने कभी सोचा हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या सही टेक्निक है किसी भी मूवमेंट की? फॉर्म एक बज़वर्ड है किसी भी जिम सेटिंग में। हमें कैसे पता चलता है कौन सा फॉर्म सही है और कौन सा गलत है? इसमें सबसे बड़ा रोल बायोमैकेनिक्स प्ले करता है। जब भी हम परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करते हैं, हमारा गोल होता है कम से कम एनर्जी स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आउटपुट देना। लेवरेज की समझ हमें बायोमैकेनिक्स के थ्रू मिलती है। जब हम सेफ्टी को कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे कोई क्रोनिक इंजरी ना डेवलप हो जाए या मसल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए। सो बायोमैकेनिक्स के नॉलेज से हमें सही टेक्निक और फॉर्म के बारे में पता चलता है, जिसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस इन्हांस होता है और इंजरी रिस्क कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप एक पावर लिफ्टर हो। स्क्वाट करते वक्त आपका ऑप्टिमल स्टांस विड्थ क्या होना चाहिए, बार प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, हिप और नीज के एंगल्स क्या होने चाहिए फॉर गेनिंग मैक्सिमम लेवरेज एंड टॉर्क जनरेशन, ये हमें बायोमैकेनिक्स से पता चलता है। माइनर ट्वीक्स करने की वजह से हो सकता है आपकी लिफ्टिंग इंस्टेंटली बढ़ जाए। आपके बार प्लेसमेंट के पोजीशन को अगर एक इंच ऊपर या नीचे कर दिया जाए तो आपका प्राइमरी मूवर चेंज हो जाएगा, क्वाड्रिसेप्स से ग्लूट्स या ग्लूट्स से क्वाड्रिसेप्स। जॉइंट फोर्सेस और कंप्रेशन के एनालिसिस करके हम टेक्निक एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके वजह से हो सकता है आपके सर्टन मसल्स और जॉइंट्स ओवरलोड हो रहे हो, मतलब हम इंजरी होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप एक बॉक्सर हो और आपका गोल है अपना पंचिंग पावर बढ़ाना। उसके लिए हमें किनेटिक चेन को समझना होगा। बेसिक स्ट्रक्चरल और मूवमेंट लेवल पर देखेंगे तो हमारी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है चेन के फॉर्म में। इन लिंक्स को हम जॉइंट्स बुलाते हैं, और क्योंकि हर एक सेगमेंट इस चेन में लिंक्ड है एक दूसरे से, तो अगर किसी भी लिंक पे मोशन होगा तो वो बाकी लिंक्स को भी अफेक्ट करेगा फोर्स ट्रांसफर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में मैं नीज और हिप्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ और साथ में एंकल को प्लांटर फ्लेक्स कर रहा हूँ टू जनरेट फोर्स, और फिर वो फोर्स जो मैं जनरेट कर रहा हूँ लो बॉडी में अपने सबसे बड़े मसल्स को यूज़ करके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स, वो फ्लो टू अपर बॉडी ट्रांसफर होगा। मेरे एब्डोमिनल मसल्स और बाकी कोर मसल्स फिर उस फोर्स को ट्रांसफर करेंगे अपर बैक और शोल्डर्स में, और फिर फाइनली मैं आर्म्स एक्सटेंड करके उस फोर्स को ट्रांसफर करूँगा अपने टारगेट पे। Enough about biomechanics. अभी थोड़ा मोटर लर्निंग और मोटर कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है आप सब ने देखा होगा काफ़ी लाइट वेट के लिफ्टर्स को बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हुए। कैसे पॉसिबल है ये? क्लियरली मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं थ्रू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटर लर्निंग एंड मोटर कंट्रोल। ये सब्जेक्ट्स मोस्टली न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के साथ डील करते हैं। शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल साइज पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे आपके मसल फाइबर्स किस एंगल पे इंसर्ट कर रहे हैं, आपका लिम्ब लेंथ क्या है, आपके मसल्स के साइज और न्यूरल अडेप्टेशंस पे। पहले तो एंगल ऑफ मसल फाइबर इंसर्शंस और लिम्ब लेंथ का तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मसल साइज को बढ़ा सकते हैं और न्यूरल अडेप्टेशंस पे काम कर सकते हैं। जब आप लाइट वेट के लिफ्टर्स को बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हुए देखते हो तो आप उनके न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशंस को देख रहे हो। इवन तो उनका मसल साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम उस स्पेसिफिक मूवमेंट या एक्टिविटी के लिए वेल ट्रेंड है। जब भी आप किसी एक मूवमेंट को बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हो, आप उस स्पेसिफिक मूवमेंट में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। कैसे? ये हम एक्सप्लोर करेंगे मोटर लर्निंग एंड मोटर कंट्रोल में। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहाँ पर भी मोटर स्किल्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि सारे ही स्पोर्ट्स में हो रहे हैं, मार्शल आर्ट्स, जिमनास्टिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पार्को, कैलिस्थेनिक्स, लिफ्टिंग, टेनिस, सारे थ्रोइंग इवेंट्स, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, इन सब को न्यूरल लेवल पे समझने के लिए हमें मोटर लर्निंग और मोटर कंट्रोल को समझना होगा।
और आखिरी सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किया था वो था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं ये समझने के लिए कि जनरली हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्या क्या फंक्शंस और प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स एक साथ कैसे काम करते हैं टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। फिजियोलॉजी में कई सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस, मस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन है। ये फोकस करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के क्रोनिक और अक्यूट इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होते हैं। जब हम एक्सरसाइज या फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ पे क्या होता है, जैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मसल फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर अडैप्टेशंस एंड इवन मेंटल हेल्थ भी। ये समझने के लिए हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जब हम विग्रस फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस डिसरप्ट होता है। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल और कांस्टेंट रखता है, इवन व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। ये ज़रूरी है हमारे हेल्थ और वेलबींग के लिए। एक्सरसाइज की वजह से हमारा होम्योस्टेसिस डिसरप्ट होता है, जैसे हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी कैसे अडैप्ट करती है जब ये सब कुछ हो रहा है, और फिर कैसे होम्योस्टेसिस या स्टेट ऑफ बैलेंस को वापस रिटर्न करती है एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद। अगेन, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत कुछ है कवर करने को यहाँ पे। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली इन टॉपिक्स पर लिख रहा हूँ medium.com पे। ये वीडियोस तो बनाता रहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि फ्री जिम के बाकी फ्री रिसोर्सेज भी आप यूज़ करते रहो। उनमें से एक है medium.com। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, बायोमैकेनिक्स और मोटर लर्निंग एंड मोटर कंट्रोल पे ऑलरेडी लिख रहा हूँ, और कुछ दिन में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पे भी लिखना शुरू कर दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जितने भी फिटनेस रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो मैं फिल्टर करके शेयर करता रहूँगा। आप medium.com पे मुझे फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई आर्टिकल पब्लिश करूँगा आपको ईमेल चला जाएगा। वैसे मैं जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश करता हूँ तो इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिंक शेयर कर देता हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी, तो मे बी मेरी स्टोरीज भी चेक कर लिया करना। मैंने 2016 में स्पोर्ट्स साइंस पे ब्लॉग लिखना शुरू किया था और करीब 1.5 साल तक लिखता रहा था, लेकिन तब मुझे रीच नहीं मिली और किसी ने पढ़ा नहीं। आई होप इस बार लोग पढ़ेंगे। मेरा इंट्यूशन कहता है कि जो लोग फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते हैं वो उसके पीछे के साइंस को भी समझना चाहते हैं, क्यों कुछ सही है और क्यों कुछ गलत है। ट्रुथ न्यूआंसेस में छुपा होता है, और उन न्यूआंसेस को मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने आर्टिकल्स और वीडियोस के थ्रू। फ्यूचर में कोई और भी फ्री रिसोर्स मैं लॉन्च करूँगा जिससे एज एन एथलीट या फिटनेस प्रोफेशनल आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, तो वो भी अनाउंस कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड वन।